हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी टेक्स अप फन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15,000 में 5G फोन के बारे में, वो है ओप्पो A53s 5G फोन। दोस्तों, जैसे ओप्पो वीवो की बात होती है तो लोग कैमरे की ही बात करते हैं, और क्यों ना करें, जब से ओप्पो वीवो आया है तो ऐसा लगता है दुनिया में काले लोग खत्म हो गए। गजब बेइज्जती है। खैर, चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में इसके दो तरह के वेरिएंट आते हैं, 6GB रैम प्लस 128GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ में, और 8GB रैम प्लस 128GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ में। तो इसका प्राइस जो है 6GB रैम 15,990 रुपये, अदर साइड पे इसका प्राइस 14,000 तक भी है, और जो 8GB है वो 17,000 में 8GB रैम वाला आपको मिल जाएगा। वीवो की बात होती है तो इसके कैमरे को दिमाग में चलता रहता है कि इसके कैमरा बहुत ही अच्छा है, होता भी है। तो इसका जो रियर कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल इसका डेप्थ और माइक्रो कैमरा है। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में। डिस्प्ले की बात करें तो वो 16.55 सेंटीमीटर है एलसीडी डिस्प्ले के साथ में, फुल एचडी सपोर्ट है। इसके वजन की बात करें तो 190 ग्राम है, ज्यादा वेट नहीं है, हल्का ही है। इसमें बैटरी जो है वो 5000 एमएच की बैटरी का यूज किया गया है, जिसका बैटरी बैकअप की बात करें 38 घंटे, आप कॉलिंग अगर यूज करते हैं तो 38 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप है, और 20 आवर अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, और 17 आवर आपका वीडियो प्लेबैक है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। चिपसेट की बात करें तो इसमें मेडिटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट यूज हुआ है ऑक्टा कोर सीपीयू के साथ में। इसके स्पीड सीपीयू स्पीड की बात करें तो 2.2 GHz इसकी सीपीयू स्पीड है। नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये डुअल 5G फोन है और सभी नेटवर्क बैंड को सपोर्ट करता है। ये डिपेंड है आप किस एरिया में है, आपकी कनेक्टिविटी उस कैसी है, उसी हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी। बायोमेट्रिक की बात करें तो इसका साइड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के साथ में। इसमें आपको प्रोसेसर और कैमरे के बारे में समझ में नहीं आया है तो मैंने दो पहले की वीडियो में अच्छे से समझाया है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप पहले की दो वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने कैमरे और प्रोसेसर को अच्छे से समझाया है, आपको कैमरा और प्रोसेसर के बारे में समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बगल में घंटी दे रखी है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।